नमस्ते टू ऑल, मैं डॉक्टर प्रियंका एंड वाउ द वैली ऑफ विजडम के लिव हेल्दी कॉर्नर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे बच्चों में पाए जाने वाली एक आम समस्या कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अक्सर माताएं ये शिकायत लेके आती हैं कि उनके बच्चे का पेट जो है नियमित तौर पर साफ नहीं होता है, और कभी कभी स्टूल इकट्ठा होने की वजह से उनको पेट में दर्द, गैस, ऐसे शिकायत होती है जिससे बच्चा, चाहे वो इन्फेंट है या टॉडलर है, वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, पेट में दर्द बताने लगता है। तो ऐसे समस्या से निजात पाने के लिए उन्हें बार बार या तो बच्चे को सपोजिट्रीज देनी पड़ती हैं या फिर लेग्जेटिव्स का यूज़ करना पड़ता है। तो किस तरीके से आयुर्वेद की मदद से समस्या से निजात पाया जाए? देखिए, जब ये कॉन्स्टिपेशन बच्चों को जो होता है माताओं को तंग करता है, और माताओं का मदरली लव या मदरली केयर लिए हुए एक हर्ब है जिसको कि बोलते हैं हरर, जिसका बॉटनिकल नेम है टर्मिनेलिया चाबुला। तो जो है इसके जो थेरेपेटिक क्वालिटीज़ हैं उसको मदरली केयर की संज्ञा देते हुए बोला गया है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की कदाचित कुप्यते माता नाच कुप्यते हरित की। मतलब जिसके घर में माता नहीं होती है उसको अपने घर में हरण जरूर रखनी चाहिए। मतलब हरण की संज्ञा माँ से की गई है। आगे माँ से ज़्यादा इसका महत्व बताते हुए कहा गया है कि बच्चे को सुधारने के लिए कभी कभार माता को तो फिर भी कुपित होना पड़ता है, वो फिर भी डांटती है, लेकिन यदि आपने एक बार हरण को कंज्यूम किया तो हरण कंज्यूम होने के बाद उदर के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होती है। सो यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की कदाचित कुप्यते माता नाचा उदरस्था हरित की। मतलब माता फिर भी कुपित हो सकते हैं लेकिन उदर के लिए यानी कि पेट के लिए हरित की कभी भी हार्मफुल नहीं होती। तो हरर से बेहतर पेट के लिए और कुछ नहीं है पेट की समस्याओं के लिए। आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन को वातजन्य माना गया है, इसकी संज्ञा क्रूर कोष्ठ से भी दी गई है। तो इसीलिए इसमें हम कार्बिनेटिव मेडिसिंस का भी यूज़ करते हैं। बाजार में आजकल सौंफ के अर्क, जीरे के अर्क से के बहुत से कंपोजिशंस हैं, जैसे कि हिमालय में बॉनी बेब है और वुडवॉर्ड का ग्राइप वाटर है। हमदर्द में भी सौंफ का अर्क, जीरा अर्क अलग से आता है। तो बच्चों को, जिन बच्चों को ये समस्या रहती है उनको नियमित तौर पर सौंफ का अर्क, जीरे का अर्क या तो अलग से दें या फिर ग्राइप वाटर दे सकते हैं, बॉनी बेब दे सकते हैं, और घर में भी आप जो है सौंफ का पानी उबाल के उसमें जीरा डाल के वो भी बच्चों को दे सकते हैं। माताएं हींग का भी प्रयोग करते हैं, बच्चों के नाभि में लगाते हैं, और हींग अत्यधिक मात्रा में बच्चों को खाने को नहीं देना चाहिए क्योंकि वो गर्म होती है, परंतु उसका लेप जो है नाभि में कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समस्या जटिल हो जाए तब मात्र चुटकी भर जो है हम हींग भी बच्चों को दे सकते हैं, बट नियमित तौर पर आप जो है सौंफ का अर्क और जीरे का अर्क बच्चे को दें। साथ में छोटी हरड़ जैसे कि आप जानते हैं कि तीन प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूं, तीन प्रकार में दो प्रकार जो है रॉ हरड़ है, मतलब कच्ची हरड़ जो तुरंत पेड़ से तोड़ी जाती है, वो काला रंग लिए होती है, उसको काली हरड़ बोलते हैं। और दूसरा होता है जो कुछ समय व्यतीत होने के बाद काला रंग जो है पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, पर ये भी छोटी ही हरड़ है और कच्ची हरड़ है, रॉ हरड़, इसको पीली हरड़ बोलते हैं, येल्लो हरड़। और तीसरी है पूरा जो परिपक्व फल होता है, जो राइप फ्रूट होता है इसका हरड़ का, वो जो है बड़ी हरड़ बोलते हैं। तो छोटी हरड़ फायदेमंद है बच्चों के लिए। छोटी हरड़ जिसको पीली हरड़ बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी, उसको आप घर पर लेके आएँ, घर पर उसका चूर्ण पीस के, बच्चा यदि 6 से 1 साल के बीच में है तो उसको 1 से 2 चुटकी जो है शहद में मिला के बच्चे को दें, 1 साल से ऊपर के बच्चे को 2 ग्राम तक शहद में मिलाकर उसे सुबह शाम दे सकते हैं। और बस आज के लिए इतना है।